हाँ जी जो कृष्ण है वो ही नारायण बनता है। परंतु एक है नर से डायरेक्ट नारायण, और एक है नर से प्रिंस फिर नारायण। और दोनों का फाउंडेशन संगम युग पर ही पड़ता है। सन 76 में जो नारायण बनने की बात आई है वो बुद्ध रूपी क्षेत्र में समझने की बात है। प्रैक्टिकल में शरीर से नारायण बनने की बात नहीं है। बुद्धि में ये ज्ञान आ जाता है कि वो कौन आत्माएं हैं जो लक्ष्मी नारायण के रूप में संसार में प्रसिद्ध होने वाली है, तो उनको कहा जाता है नर से नारायण। फिर संगम युग में ही उन नारायण के बुद्धि रूपी पेट में कृष्ण बच्चा भी पनपता है। जो बच्चा बुद्धि है, बुद्धि बचकानी है, झट से बुद्धि में नहीं बैठता है कि गीता का भगवान कौन है। तो उस बचकानी बुद्धि को भी पूरा आत्माभिमानी बनना है। वो फाउंडेशन संगम युग में ही पड़ता है। फिर कहा जाता है महानारायण। विष्णु रूप जिसको चार आत्माएं रूपी भुजाएं दिखाते हैं, वो चारों आत्माएं और उन आत्माओं को चलाने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जो पहले पहले नर से नारायण की स्टेज में जाता है, वो पांचों आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं साथ साथ, जिसके द्वारा विष्णु की पालना गाई जाती है। नहीं तो चार भुजाओं वाला कोई मनुष्य नहीं होता है जो नई दुनिया की पालना करे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, बेहद में अर्थ क्या है उसका? बेहद में अर्थ यही है, उस विद्यालय में प्रजापिता रूपी बाप भी है और ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं। बेहद का होगा तो माँ बाप और बच्चे आपस में भाई बहन, ये प्रैक्टिकल में नाता देखने में आना चाहिए।
अगर हद में है, बात समझ में नहीं आई है, तो नाम भल रख लेवे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, लेकिन बाप देखने में नहीं आवेगा, बाप का पार्ट प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आवेगा। तो समझ में ना आना, जैसे हद की बात हो गई। और बाद में स्थूल सत्यों दिल्ली में बनते हैं और हिमालय पर्वत पर संगम युग की जो बातें हैं वो सारी बातें हमारी बुद्धि में शिव बाबा ने बैठाई है लक्ष्य के बतौर, क्योंकि बोला है संगम युग है कल्याणकारी युग, ऊंचते ऊंची युग, जिस युग में तुम बच्चे बाप से डायरेक्ट ऊंचते ऊंचे वर्षा पाते हो। बाबा ने हमको सतयुग का लक्ष्य नहीं दिया है, सतयुग से तो उतरती कला शुरू हो जाएगी। पुरुषोत्तम संगम युग में ऊंचते ऊंचे पद पाने का लक्ष्य दिया है। तो 2036 के बाद वो तो नीची स्टेज है, उससे पहले है ऊंच पद पाने की बात, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो प्राप्ति करेंगे संगम युग में। असली सदगति उनकी है, बाकी तो शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेकर के नई दुनिया में आवेंगे। नैया को पार लगाने वाला एक ही खेवैया यहाँ के लिए गाया हुआ है। और फिर भी जो मनाते हैं है फिर भी जो मनाते हैं उसके लिए बाबा 13 आत्माओं का यादगार बताया। 13 ब्राह्मणों को खिलाते हैं है, यहाँ संगम युग में भी 13 आत्माओं का बताया है। हाँ जी। और ये बीके लोग 13th डे फिल्म उठा रहे है, फिल्म फिल्म ले रहा है 13th डे करके है, 13th डे करके ये फिल्म उठा रहा है बीके लोग है, इसको उसको कुछ ये है संबंध है क्या? जो फिल्म उतारा है उसमें क्या है? नहीं अभी इनॉग्रेशन किया है, पूरा नहीं किया, शुरू किया है। हाँ हाँ, तो जब बात क्लियर हो जाए तभी पता लगे ना कि वो क्या भक्ति मार्ग चला रहे हैं। बाकी दुनिया में जो 13वीं का भक्ति मार्ग है वो तो क्लियर है कि सूर्यवंश के 12 है और चंद्रवंश का 1 मुखिया। जब कोई मरते हैं तो बाद में 13 ब्राह्मणों को खिलाते हैं, निमंत्रण दे करके बुलाते हैं, तब समझते हैं आत्मा का उद्धार हुआ। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है, जो जीते जी मरते हैं वो उन 12 आत्माओं को प्रसन्न करते हैं, जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं। और 13वीं है वो आत्मा
जो चंद्रवंश के 12 ग्रुप की मुखिया है। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का रही। यज्ञ के आदि में 2 आत्माएं थी भागीदार के रूप में। राम बाप और कृष्ण बच्चा अर्थात प्रजापिता और उसकी रचना ब्रह्मा। उसमें देखना है कि अलफ किसको कहें और बे किसको कहें। शुरुआत के हिसाब से देखेंगे सिर्फ, मध्य और अंत को छोड़ दें तो ऐसे ही दिखाई पड़ता है कि ब्रह्मा खड़ा रहा। कृष्ण की आत्मा खड़ी रही पुरुषार्थ में 1968 तक। और यज्ञ के आदि से ही राम वाली आत्मा चली गई, गिर गई। तो खड़ा हुआ कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। और पड़ा हुआ कौन हुआ? जिसका पुरुषार्थ पड़ गया, गिर गया, वो कौन हुआ? राम वाली आत्मा। परंतु ये तो अधूरा पुरुषार्थ हुआ। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है राम फेल हो गया। अच्छा, राम फेल हो गया तो त्रेता में चंद्रवंशी बन गया। अब ऐसी कोई आत्मा सतयुग की होती है जो सतयुग में जन्म तो ले परंतु त्रेता में न जाए, चंद्रवंशी न बने? कोई होती है? हैं? कोई नहीं। तो इस बात की गहराई का ज्ञान तब मिलता है जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ जाते हैं और राम वाली आत्मा में बाप भगवान आकर के इस राज को क्लियर करते हैं कि संगम युग में 100 साल तक प्रैक्टिकल जीवन में खड़ी रहने वाली पुरुषार्थ में आत्मा एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, जिसे राम बाप कहा जाता है। वो ही अलफ है। पुरुषार्थ में पूरे 100 वर्ष के संगम युग में खड़ा रहने वाला है। आदि में मर्ज हो गया वो बात अलग है। मर्ज होकर के तो पुरुषार्थ चलता ही रहता है। अभी ब्रह्मा की आत्मा को कहेंगे मर्ज या इमर्ज? मर्ज हो गई। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखें तो इमर्ज होकर के पार्ट बजाय रही है। शास्त्रों से टैली करके देखें तो इमर्ज होकर के पार्ट बजाय रही है।
क्योंकि शिव शंकर को मिलाकर एक किया जाता है, हैं तो आत्माएं अलग अलग शिव शंकर, परंतु भक्ति मार्ग में दोनों को मिलाकर एक कर दिया है, क्योंकि संपूर्णता की स्टेज पर पहले पहले पहुंचने वाली आत्मा शंकर की आत्मा है, जो बाप समान पुरुषार्थ करती है। इसलिए बच्चे का नाम बाप के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आदि से अंत तक खड़ा रहने वाला डंडा राम बाप वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा उसके मुकाबले कहेंगे बे, माने पड़ा हुआ डंडा। उर्दू में अलफ कहा जाता है खड़े हुए डंडे को, और बे कहा जाता है पड़े हुए डंडे को। वो सतयुग में बादशाह बनेगा, परंतु जो सतयुग में बादशाह बनेगा उसको बादशाह बनाने वाला कौन, उसको जन्म देने वाला कौन? कहेंगे राम वाली आत्मा ही संगम युग में निमित्त बनती है, जिसके तन में वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके पढ़ाई पड़ती है। समझू और सयानी बनती है, नहीं तो 68 तक जो पुरुषार्थ हुआ उस आत्मा का, वो अधूरा पुरुषार्थ हुआ या संपूर्ण पुरुषार्थ हुआ? है अधूरा पुरुषार्थ हुआ, और जब अधूरा पुरुषार्थ है तो देहभान रह गया या देहभान खत्म हो गया? देहभान रह गया। और जिस पुरुषार्थी का देहभान रह जाता है उसको मुरली में आज बोला है गधा। गधे मिसल पुरुषार्थ है, तो गधे मिसल पुरुषार्थ करने वालों में पहला नंबर किसका हुआ है? कहेंगे ब्रह्मा का। इसलिए रावण के सिर पर गधा दिखाया हुआ है, वो सब विकारों का बाप है, कामी इस्लामियों का भी बाप है, वो कामी इस्लामी भी उसके गेद गोद में खेले हैं। सिर्फ कामी इस्लामी नहीं, क्रोधी क्रिश्चियंस भी उसकी गोद में खेले हैं। जो क्रोधी क्रिश्चियंस इतने क्रोधी हैं कि अपने बाप को भी मात देने में बाज नहीं आते हैं, ब्रह्मा को भी धोखा दे दिया, चुपचाप चोरी से गोबल रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जब दो दिन बाद ब्रह्मा बाबा को पता चला तो हार्ट ही फेल हो गया। ये पांच विकार हैं, उन पांचों विकारों को खड़ा करने, मजबूत बनाने,
सॉलिड बनाने का काम ब्रह्मा की आत्मा ही करती है। बाप उन बच्चों को तरजीह नहीं देता, तो ब्रह्मा जैसे बाप है पांच विकारों का, पांचों विकारों का बाप कौन है? देह अभिमान। वो बाप उन बच्चों को वर्षा देता है, वरदान देता है। शास्त्रों में ब्रह्मा के वरदानों से असुरों का जितना कल्याण हुआ है उतना कल्याण और किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा को बढ़ावा देने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा को बढ़ावा किसने दिया? कहेंगे बाप ने। और असुरों को बढ़ावा किसने दिया? ब्रह्मा ने। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि अलग को मिला हल्ला, वो कौन है जिसको अल्लाह मिला? बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। आदि में दी होगी तो अंत में भी देगा या नहीं देगा? ये विनाशी बादशाही की उसे परवाह नहीं है। बादशाही बड़ी या अल्लाह बड़ा? अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, और बादशाही मिली तो कुछ भी नहीं मिला। तो यज्ञ के आदि में जो यज्ञ के पालना की बादशाही है वो तो ब्रह्मा बाबा को मिल गई। सारे ही विधर्मियों की पालना का अधिकार मिल गया, लेकिन बाप की पहचान नहीं मिली। और राम वाली आत्मा को बाप मिल गया। तो जन्म लेने के बाद भी दोबारा जब जन्म राम वाली आत्मा लेती है तो उसे बाप मिलता है या नहीं मिलता है? उसे बाप मिलता है। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को बाप बाप नहीं मिलता। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि इच्छा पूर्वक वरदान लेना, वो हल्का पुरुषार्थ है। और ये समझ करके वरदान लेना कि जो पाना था सो पा लिया, अब हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, बाप मिला सब कुछ मिला, वो हल्कापन नहीं है, वो भारी आत्मा की निशानी है। जो ब्राह्मण बच्चे हैं पक्के, वो राजाई की तमन्ना नहीं करेंगे इस जन्म में। इस जन्म में सेवाधारी बन करके रहना है, पुरुषोत्तम संगम युग में, या राजाई करने की तमन्ना रखनी है? हैं? सेवाधारी बन करके रहना है, तब कहेंगे फालू फादर। यहां सेवाधारी बन करके रहेंगे तो जन्म जन्मांतर वहां हम सेवा कराने के निमित्त बन जाएंगे।
और यहाँ राजाई ले लेंगे, बादशाही ले लेंगे, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाए लेंगे, अल्पकाल की तमन्ना पूरी कर लेंगे, तो वहां जन्म जन्मांतर के लिए कम हो जाएगा। और बाबा अभी तो राम वाले का आत्मा का 47 के बाद यमर कैसे होगा? बंदी तो हो गया तो उसका पार है? राम वाले आत्मा का तो 47 के बाद है, उसका पार्ट तो यमर हो गया। 47 के बाद नहीं, 42 के बाद। हाँ, वो इमर्ज कहाँ कहेंगे? और रामवाली आत्मा जानती है कि मैं रामवाली आत्मा हूँ? वो तो अज्ञान की बात है, जब ज्ञान में आएगी तभी तो इमर्ज कहेंगे, कि ज्ञान में आने से पहले इमर्ज कहेंगे, ज्ञान में आने के बाद इमर्ज कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद वो आत्मा बेसिक ज्ञान में आती है, बेसिक ज्ञान से एडवांस ज्ञान में ट्रांसफर होने में भी तो टाइम लगता है, तो वो 7-8 साल का टाइम लगा। जब ट्रांसफर हो जाए तब कहेंगे कि इमर्ज हुई। राम वाली आत्मा को अपने स्वरूप का भान होता है, हु एम आई, माना रियलाइजेशन कोर्स का प्रैक्टिकल रूप ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू होता है। बाप का ज्ञान है ही हु एम आई का, हु एम आई सिर्फ इतना ज्ञान नहीं है मैं आत्मा हूं, वो तो सभी है, कीड़े मकोड़े भी आत्मा है, ये बाप का ज्ञान नहीं है। बाप का ज्ञान है हु एम आई, अर्थात मैं इस सचरूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, ये पक्का निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए तब कहेंगे राम वाली आत्मा इमर्ज हुई। और ब्रह्मा का आत्मा भी वही कर रहा है, ब्रह्मा का आत्मा भी अभी इमर्ज होकर कर रहा है, इमर्ज कहाँ है? और तो प्रवेश होकर के पार्ट बजा रही, जैसे शिव प्रवेश है, प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है, प्रत्यक्ष तो नहीं है क्योंकि वो तो बिंदी ही है। और ब्रह्मा वाली आत्मा सा शरीर नहीं है, वो तो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर मर्ज होता है या उसे इमर्ज कहा जाता है? मर्ज कहा जाता है। हाँ, बीज रूप आत्मा जो बच्चे हैं उनके संसर्ग संपर्क में आने से वो भी बीज बन जाता है, जैसे शिव बाप बीज है, प्रवेश करता है तो पता ही नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा भी हम बच्चों में प्रवेश करती है, रुद्रमाला के बच्चों में, तो कब प्रवेश करती है कब चली जाती है हम बच्चों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि बीज रूप स्टेज है, हल्की फुल्की स्टेज है, तो उसे भी मर्ज कहेंगे, इमर्ज नहीं कहेंगे। और अभी इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे कि आदि में जो राम वाली आत्मा जो थी है जिसे अलग को मिला अल्लाह और ये कहते हैं, और अभी जन्म लेकर वही आत्मा है, इसको हम प्रैक्टिकली जो प्रूव करेगा? मुरली के पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो एक नहीं है, अनेक हैं। बाप की पहचान के पॉइंट 2-4 हैं या अनगिनत हैं, उन पॉइंट्स से टैली करो,
क्योंकि मुख्य ज्ञान तो बाप की पहचान का ही ज्ञान है ना। अगर बाप की पहचान नहीं हुई तो बच्चे की पहचान हो ही नहीं सकती। पहले पहले है बाप की पहचान। उस पहचान में ज्ञान का बड़ा मुद्दा समाया हुआ है। ज्ञान, जानकारी किस बात की? अपनी जानकारी और अपने बाप की जानकारी। तो जब तक बाप की ही पहचान नहीं हुई है तो आत्मा को अपने पार्ट की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए बाप की पहचान बाप खुद ही आकर के देते हैं। जो मुरलियों के पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के क्लैरिफिकेशन में ही बाप की पहचान समाई हुई है। बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है ही 76 के बाद ही बाप की पहचान मिलती है। वो बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है, मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है, क्या कहें है? जरूर कहेंगे इमर्ज रूप में है। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष माना प्रत्यक्ष हो चुका। अब किनके सामने प्रत्यक्ष हो चुका? जिनके सामने प्रत्यक्ष हो चुका उनको ये प्रश्न नहीं आवेगा, क्या प्रूफ है कि वो ही बाप है? ये प्रश्न किसको पैदा होगा? ये प्रश्न उनको पैदा होगा जिनको अभी निश्चय नहीं हुआ है कि राम का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है और उसमें शिव बाप प्रवेश करके पार्ट बजाता है, इसका क्या प्रूफ है? इन सारी बातों का जवाब मुरली से मिलेगा या दुनिया वालों की भाषा से मिलेगा? मुरली से ही जवाब मिलता है। परंतु मुरली की व्याख्या बाप टीचर के बगैर कोई कर नहीं सकता। वो बाप ही टीचर बनकर के उन महावाक्यों की व्याख्या करता है। उस व्याख्या के आधार पर बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और कनाडा लिटरेचर सभी मांग रहा है, वो एनएस से आना था, एक साल का ऊपर हो गया। एनएस से उसका कॉपी आनी थी, प्रिंट आउट, वो आया नहीं। कोई भी लिटरेचर है उसमें मूल क्या है और बाद में मूल की जो प्रतियां निकलती हैं वो प्रतियों में सच्चाई ज्यादा है या मूल में सच्चाई ज्यादा है? तो चाहे कन्नड़ा लिटरेचर हो, चाहे बंगाली लिटरेचर हो, चाहे गुजराती लिटरेचर हो, वो मूल नहीं है, ट्रांसलेट किया हुआ है और ट्रांसलेट करने के बाद बहुत सी बातों का अर्थ बदल जाता है। इसलिए मूल पॉइंट से हटा करके बुद्धि को डुप्लीकेट में नहीं ले जाना चाहिए। अगर डुप्लीकेट में ले जाएंगे तो हम सच्चाई से जुदा कर देंगे लोगों को। आगे चल करके ये हिंदी इंटरनेशनल भाषा बन जाएगी।
अभी दुनिया में किनका राज्य है, कौन सी कौम का राज्य है? अंग्रेजों का राज्य है। लेकिन लास्ट में दुनिया में किसका राज्य आएगा? जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी भाषा होती है। तो मौलिक भाषा जो बाप की भाषा, वो बच्चों की भी मौलिक भाषा, उसको कहते हैं मदर टंग। बच्चा वो जो माँ बाप की भाषा जानता हो, अगर नहीं जानता है तो कहेंगे कि वो बच्चा माँ बाप की गोद में नहीं पला है, कोई और की पालना ली है। औरों से पालना लेंगे तो डर है कहीं विदेशी विधर्मी न बन जाएं। इसलिए बाप की पालना में ही पलना चाहिए। देहधारी गुरुओं को अगर अपना गुरु बनाना पड़ा तो डब्बा गोल हो जाएगा। संगम युग में बाप आवे और हमारे पुरुषार्थ का डब्बा गोल हो जावे, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाप का डायरेक्ट बच्चा बनना अच्छा या थ्रू थ्रू बनना अच्छा है? डायरेक्ट बनना बच्चा सेवा के लिए अनेक भाषाएं सीखे, अनेक भाषाएं सीख करके जो बाबा की भाषा है, और जिन आत्माओं को बाबा की भाषा नहीं आती है उनको बेसिक ज्ञान दीजिए, बाबा का परिचय दीजिए, बाबा का संदेश दीजिए, बाबा की पहचान कराइए। और जब बाबा की पहचान आत्मा को हो जाएगी, ये हमारा जन्म जन्मांतर का बाप है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति हमें इस बाप से होती है, तो आत्मा स्वतः ही उसका संसर्ग, संपर्क और संबंध लेने के लिए दौड़ेगी। उस आत्मा को अपने में नहीं लटकाना है। अगर हिंदी नहीं सिखाई और प्रादेशिक भाषा को ही बढ़ावा दे दिया तो रिजल्ट क्या होगा? वो आत्माएं फिर हिंदी बाप की टंग सीखें, बाप की भाषा बोलेंगी, सीखेंगी नहीं? सीखेंगी, वंचित हो जाएंगी। हमें बाप का वारसदार बनना है और दूसरों को भी बाप का वारसदार बनाना है। न भगत बनना है न दूसरों को भगत बनाना है। और ये नहीं के लिए सही, कब तक नहीं बनाएंगे? नयों को बनाने के लिए जिम्मेवारी वो बीके वालों के ऊपर दे दी ना। अभी तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं, जो पहले ही ब्राह्मण बन चुके हैं, उन ब्राह्मणों को एडवांस में ले जाना है या बेसिक की ही पढ़ाई पढ़ाते रहना? आप तो एडवांस का सेंटर खोल के बैठे हैं, हैं? तो एडवांस को बढ़ावा दीजिए। बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो बेसिक से एडवांस में आने के योग्य है। आज नहीं तो कल आवेंगी, आवेंगी जरूर। और एक तरफ अनल में लिखकर दिया इन्होंने, तो मैं
है। ये प्रश्न जो आया हुआ है तमिल में आया हुआ है। क्या पूछा गया है कि भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है, तो क्या भक्ति करना पाप है? भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है, पाप इसलिए है कि जो नीचे गिराता है, डुबोता है, उसे पाप कहेंगे, या जो उद्धार करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, उसे पाप कहेंगे। हैं? डुबोने वाले को पाप कहेंगे। तो भक्ति डुबोती है या उद्धार करती है? दुनिया की मेंटेलिटी नीचे की ओर जा रही है, गड्ढे में जा रही है, या ऊपर की ओर जा रही है? मनुष्य का मनुष्य से प्यार स्थायी हो रहा है या क्षणभंगुर हो रहा है? हैं? क्षणभंगुर हो रहा है। मेंटेलिटी नीचे गिरती जा रही है। कारण क्या है? हैं? यही भक्ति। भक्ति माने अंधविश्वास। ज्ञान को अंधविश्वास नहीं कहा जाता। भक्ति है नीचे गिराने वाली और ज्ञान है ऊपर उठाने वाला। भक्ति करते करते बुद्धि एकदम गड्ढे में चली गई। मनुष्य मात्र की बुद्धि गड्ढे में चली गई। विद्वान पंडित आचार्यों की बुद्धि गड्ढे में चली गई। ज्ञान से बुद्धि ऊपर की ओर जाती है, परमधाम की ओर जाती है। इस विनाशी दुनिया से बुद्धि डिटैच होती है। वो तो हो चुका ना, जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है वो ज्ञान ज्यादा उठाएंगे, या जो अब ज्यादा भक्ति करेंगे वो ज्यादा ज्ञान उठाएंगे? हैं? जिन्होंने ज्यादा भक्ति पहले ही कर ली है वो ज्यादा ज्ञान उठाएंगे, क्योंकि लंबे समय से नाक रगड़ते आए, भगवान मिले भगवान मिले, रास्ता उल्टा पकड़ा तो भगवान को दया आ गई। किसके ऊपर दया आई? भक्तों के ऊपर दया आई। बेचारे जन्म जन्मांतर से नाक रगड़ रहे हैं, उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। तो इससे ये तो साबित होता है कि भगवान से प्यार है या नहीं है? हैं? प्यार तो है, तो भगवान को दया नहीं आनी चाहिए? भक्तों के ऊपर दया आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। अब भक्त ये समझ बैठे हैं कि भक्ति अच्छी चीज है, इसलिए भगवान हमको मिल गया, ये तो गलत बात हो गई। भक्ति आती ही है रावण से, देहधारी मनुष्य गुरुओं से। ज्ञान आता है एक बाप से, एक बाप का ज्ञान है सदगति देने वाला। बाकी मनुष्यों से जो कुछ आता है वो सब दुर्गति करता है। मनुष्यों को कहा जाता है नर। जो नर करता है वो नरक बनता है। जो स्वस्थिति में सदैव रहने वाला है वो जो कुछ करता है उससे स्वर्ग बनता है। बाबा आज की मुरली में आए हैं, ये स्प्रिट जो होता है उससे सोने की महल जो नीचे हो जाए, नीचे चले जाएगा। हाँ, इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों आते हैं। नीचे ही नहीं चले जाते हैं, आर्थिक से ऊपर भी जावेंगे, आर्थिक से नीचे भी जावेंगे। हाँ भाई, ये तो मैंने जो बताया अर्धविनाश के बारे में बताया। हाँ जी, उसे नीचे चले गए।
नीचे चलेंगे बना तो त्रेता युग के अंत में सोने की महल स्थूल में रहेगा क्या? सोने का महल का मतलब है सोना भरपूर होगा मिट्टी की तरह, यहाँ सोना देखने को नहीं मिलता है, मिट्टी ही मिट्टी चारों ओर, और वहाँ वहाँ जिधर नजर डालो उधर सोना सोना सोना, इतना सोना होगा। मतलब त्रेता में भी सोना को यूज करते रहेंगे? वहाँ चांदी की तादाद ज्यादा हो जाती है, सोने की तादाद थोड़ी कम होती है, सतयुग में सोने की तादाद ज्यादा। बाबा बोलते हैं ना सोना चांदी कुछ नहीं रहेगा। अरे कभी तत्व खत्म होते हैं क्या? पांच तत्व तो खत्म नहीं होते, ये पांच तत्वों से ही सोना चांदी वगैरह बनता है। सोने की कीमत ज्यादा होती है, सोने की भस्म बनाते हैं वैद्य लोग, उस दवाई की कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो तत्व तो है लेकिन सात्विक तत्व है या तामसी तत्व विषैला तत्व है? है सात्विक तत्व है। सोने की भस्म को पचाने वाला सोने जैसे शरीर का बन जाता है। और एक और सवाल है ये भाई का, एक और सवाल है भाई का, जो उन्होंने पूछ रहे कि बेसिक नॉलेज में जिन्होंने इनको दिया था ज्ञान, जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था इनको, ये भाई है जो तमिलनाडु से आए हुए हैं। हाँ। तो वो पूछ रहे कि वो जो बैंक ने इनको जो बेसिक नॉलेज दिया था वही बैंक को अगर वो एडवांस ज्ञान देना चाहते हैं लेकिन वो कहाँ है वो पता नहीं, और अगर पता भी है तो वहाँ पे जा नहीं सकते, तो फिर कैसे इनको एडवांस ज्ञान का इंट्रोडक्शन दें? हाँ कैसे पूछ रहे हैं इनको? अरे पता लगाने से ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है आखिर, तो वो बहन भी मिल जाएगी। है और बाबा, हाँ है, हाँ इब्राहिम की आत्मा तो सात्विक आत्मा आती है, वो राजाई करने का उसका लक्ष्य नहीं है, वो तो अपने धर्म का सबसे जास्ती सात्विक ज्ञान सुनाती है। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो ज्ञान में घुसपैठ कर देते हैं, विचार कर देते हैं, अडल्ट्रेशन करप्शन करते हैं, और सिर्फ इब्राहिम के इस्लाम धर्म की ही बात नहीं है, सभी धर्मों में ऐसा ही होता आया है। जो फॉलोअर्स हैं वो अडल्ट्रेशन करप्शन करते हैं। तो इब्राहिम की आत्मा उस समय सतो प्रधान होने के कारण राजाई करने की तो बात ही नहीं, क्योंकि सतो प्रधान आत्मा है वो सेवा करना सबसे बड़ा धर्म समझती है, कोई भी धर्म पिता क्यों न हो। सात्विक स्टेज में आएगा तो राजा ही नहीं करेगा। हाँ उसका एक कारण और भी है कि जब धर्म पिता आता है तो उसके धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बहुत कम होती है, जब लाखों की तादाद में संख्या हो जाए तब राजाई चलेगी या राजाई पहले ही चलेगी? जब लाखों की तादाद में संख्या हो जाती है तब राजाई चलती है, तो उसमें दो चार जन्म लग जाते हैं, दो चार जन्मों के बाद वो आत्मा जन्म लेकर के भले राजा बन सकती है, उस जन्म में राजा नहीं बनती।
पिछले प्रश्न में बाबा ने बोला है ब्रह्मा बाबा रुद्रमणि आत्मा में प्रवेश करके सेवा करता है, वो आने जाने नहीं मालूम पड़ता है, हल्का फुल्का होता है। नहीं, रुद्रमाला के मणकों में जब प्रवेश करता है, उनके संग के रंग में आता है, तो वो भी बीज रूप आत्मा बन जाती है, इसलिए हल्का फुल्का हो जाता है। और जब उनसे डिटैच होता है, बीके वालों के संसर्ग संपर्क में आता है, तो देह अभिमानी स्टेज में आ जाता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण करता है। उसके दो शरीर हैं, एक कारण शरीर, वो बीज रूप आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आने से बनता है, और बीके वालों के संसर्ग संपर्क में आने से सूक्ष्म शरीर बनता है, जो गुलजार दादी में प्रवेश करता है या कोई और दादी में प्रवेश करता है। और कौरव पांडव युद्ध करते हैं ना, इस तरह ने समय में घोड़ाघाड़ी में कृष्ण अर्जुन का बोध किया ना, कैसे किया युद्ध रंग में, कैसे किया है? युद्ध रंग में समय है नहीं ना, ये समय युद्ध रंग में कैसे बोधन किया? वो तो झूठी बात है ना, कौरव पांडवों का कोई युद्ध थोड़े ही हुआ है, स्थूल युद्ध, हिंसक युद्ध नहीं हुआ है, ये तो ज्ञान के युद्ध की बात है जो हमारे मन के अंदर चलता है। ये संस्कारों का युद्ध है, संस्कारों को पलटाने वाली बात है, आसुरी संस्कार पलट करके देवता ही संस्कार बन जावेंगे। जो दिव्य संस्कार हैं, वो आसुरी संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसमें स्थूल युद्ध की बात नहीं है, ज्ञान योग की बात है, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई की बात है। वो घोड़ा गाड़ी वाला वो तो एक रूपक है, जो रथ है वो शरीर रूपी रथ का परिचायक है, और जो घोड़े हैं वो इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, उन घोड़ों को जो लगाम दिखाई गई है वो बुद्धि रूपी लगाम है, वो बुद्धि रूपी लगाम कृष्ण हाथ में नहीं लेता है, ये तो शिव बाबा की आत्मा है, सुप्रीम सोल अपने हाथ में वो लगाम लेता है बुद्धि की, तब वो रथ चलता है। वो रथ को चलाने वाला सुप्रीम सोल बाप है, रथ को चलाने वाला कहो, नैया का खेवैया कहो, शंकर चाप जहाज कहो, वो जहाज को नैया को रथ को चलाने वाला चालक है, बाकी स्थूल में कोई बात नहीं है। बाबा जगदम्बा माँ को योगदान करने के लिए बताया, कैसे करना? अरे कोई प्यारा होता है, संबंधी होता है, हम ज्ञान में चलने लगे, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, लौकिक दुनिया में जो हमारा प्यारा रहा है, जिसको हमने बहुत प्यार किया है, वो ज्ञान में नहीं है, बाप को नहीं पहचानता है, लेकिन हमारा दिल है कि वो भी ज्ञान में आ जाए, वो भी बाप को पहचाने, तो उसको योगदान देते हैं कि नहीं देते हैं? है? बाबा की याद में उस आत्मा को
सर्च लाइट दे सकते हैं। जैसे टार्च में से रोशनी निकलती है तो कोई के ऊपर रोशनी पड़ती है, ऐसे ही बाबा के साथ याद में बैठ जाएं और उस आत्मा को वाइब्रेशन फेंकें, दूसरे संकल्पों को ना आने दें, एक ही संकल्प में स्थिर होकर के रहें। जितना हम स्थिर होकर के रहेंगे उतना उस आत्मा को योगदान जल्दी मिलेगा। हमारी स्थिरता टूटती रहेगी, संकल्प टूटता रहेगा या माया हमारे संकल्प को तोड़ती रहेगी तो उतनी ही देर हो जाएगी। और जिस आत्मा को हम योगदान दे रहे हैं वो जल्दी नहीं निकलेगी। इसलिए बोला, तुम ब्राह्मण बच्चों के संकल्प में बहुत ताकत है, उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि, लेकिन वो तभी होगी जब हम मन बुद्धि को एकाग्र करना सीख लें। जिसको हम योग कहते हैं, याद कहते हैं, निरंतर याद, अब व्यभिचारी याद। रिवाइज पूछ रहा है, पिस्ते पर और माया में अंतर क्या है? पिस्ते पर और माया में अंतर क्या है? पेपर, माया पेपर लेती है, दोनों में अंतर क्या है? माया अलग है और पेपर अलग है। माया जो है वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी, ऐसा माहौल बना देगी जो पेपर के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। माया पेपर नहीं है, माया तो पेपर लेने वाली है, परीक्षा लेने वाली है। ये करप्शन, अडल्ट्रेशन, बेहद में इसकी शूटिंग कैसे होती है? बाबा ने ज्ञान दिया, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? सर्वव्यापी नहीं है, इसका क्या मतलब है? एक व्यापी है। अब जो करप्शन फैलाने वाले हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें तो सर्वव्यापी भगवान से ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो खुद भगवान बनकर के बैठना चाहते हैं। वो दुनिया को ये सिखाना चाहते हैं कि भगवान स्वर्ग स्थापन नहीं करता, स्वर्ग स्थापन करने वाले हम हैं। असली ज्ञान भगवान नहीं देता, भगवान के ज्ञान का भी असली क्लेरिफिकेशन हम देते हैं। हमारे डायरेक्शन पर चलो, हमारी राजाई में चलो। इसलिए वो एक करप्शन फैलाते हैं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये ज्ञान बाबा ने दिया। अब गीता का भगवान कृष्ण नहीं है माना कृष्ण तो अभी संगम युग में नहीं है ना, संगम युग में कृष्ण है, यह कृष्ण की आत्मा है। क्या नाम है उसका? ब्रह्मा। तो वो खुद करप्शन फैलाने वाले
ब्रह्मा को ही साकार रूप में भगवान समझे बैठे हैं। उनका ब्रह्मा से लगाव लग गया है, अटैचमेंट लग गया है। इतना अटैचमेंट हो गया है कि ब्रह्मा के अलावा और किसी की सुपीरियरिटी उनको पसंद ही नहीं है, देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। इसलिए वो करप्शन फैलाते हैं। उन्होंने वो किताब छापना ही बंद कर दी, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। ऐसे ढेर सारे ज्ञान के प्रश्न हैं, ज्ञान की बातें हैं, जिन ज्ञान की बातों को तोड़ मड़ोड़ करके उन्होंने अज्ञान बना दिया अपने स्वार्थ के लिए। उसको कहते हैं एडल्ट्रेशन, करप्शन। कोई ने पूछा है बैंगन नहीं खाना है बाबा, क्यों? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है बैगन बेगुण है, बैगन में कोई गुण नहीं, और ही शरीर में बादी पैदा कर देगा, दर्द पैदा कर देगा। तो जैसे और चीजों को खाने के लिए मना कर दिया, अचार खाने को मना कर दिया, सड़ा के बनाया जाता है, प्याज लहसुन खाने के लिए मना कर दिया, उत्तेजना बढ़ाता है इंद्रियों में, मूली खाने के लिए मना कर दिया, तामसी चीज होने के कारण नींद बहुत आती है, मूली खाने वाले को आलस्य बहुत आता है, इसलिए मना कर दिया, क्योंकि हम बच्चों को तो निद्राजीत बनना है। निसंकल्प बनना अच्छा है या मनन चिंतन करके संकल्प चलाना अच्छा है? निसंकल्प होने की स्टेज कब बनेगी? पूछना चाहिए। निसंकल्प बनना सहज है या मनन चिंतन मंथन करना सहज है? क्या सहज है? मनन चिंतन मंथन करना सहज है। तो जो सहज है वो पहले कर लें, ये है पहली सीढ़ी। और जब ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन चलने का अभ्यास पक्का हो जाए तो निसंकल्पी स्टेज में टिकना भी सहज हो जाएगा। यह है अगली सीढ़ी। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो सहज हो जाएगा। एकदम निसंकल्पी स्टेज में टिकना चाहें वो नहीं होगा, गंदे गंदे संकल्प अटैक करते रहेंगे। इसलिए पहले कोशिश करना है कि शुद्ध संकल्पों में टिकें, मनन चिंतन मंथन करने का मादा डालें, अभ्यास करें, फिर निराकारी स्टेज में भी टिक जाएंगे। हमारी उल्टी सीढ़ी है, उल्टी सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो पहले कलयुग की सीढ़ी क्रॉस करेंगे या त्रेतायुग की सीढ़ी क्रॉस कर लेंगे? पहले कलयुग की सीढ़ी क्रॉस करें
फिर द्वापर की सीढ़ी क्रॉस करें, फिर त्रेता की सीढ़ी क्रॉस करें, फिर सतयुग की सीढ़ी क्रॉस करेंगे, फिर पुरुषोत्तम संगम की ऊंची स्टेज में पहुंचेंगे जहां हीरे समान जन्म बनता है, वो है निराकारी स्टेज। सतयुग है स्वर्ग की सुखी स्टेज, अच्छे संकल्प वहां चलेंगे, दुख देने के संकल्प नहीं चलेंगे, न दुख देने के न लेने के। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, तो काम के दायरे में क्या क्या बातें आती हैं? काम शब्द से बनता है कामना, कामना माने इच्छा। अब अपने अंदर देखें झांक करके कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा लंबी कामना कौन सी बातों की होती है? इच्छा। तो सभी जानते हैं कि काम वासना प्रधान है, तो कामेंद्रिय के संकल्प सभी में ज्यादा आते हैं, वो है मुख्य कामना। बाकी छोटी मोटी कामनाएं ढेर सारी है, उस काम के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर ली, उस कामना के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर ली, तो समझो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो काम के दायरे में बहुत बातें आ जाती हैं। कोई व्यक्ति से मेल हो जाए ये भी कामना है, कोई पदार्थ मिल जाए ये भी कामना है, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। परंतु उन सब कामनाओं का केंद्र बिंदु होता है जाकर के काम विकार। ओम शांति।